अस्सलामुअलैकुम माय डियर फैमिली, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छे हैं। मॉर्निंग हो गई है, हो गया हमारा चाय नाश्ता, सब कुछ हो गया है। मैंने रोटी वोटी सब बना लिया है, सब कुछ मैंने सफाई फाई कर लिया। मैंने सोचा चलो कुछ अच्छी सी रेसिपी जल्द से जल्द झटपट बनने वाली आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो मैंने ऋषि को पकड़ लिया और ऋषि को मैं बोला कि आप जाने से पहले प्लीज़ मेरी ये बहुत जल्दी रेसिपी आधे घंटे में बनके तैयार हो जाएगी, आप प्लीज़ मुझे ये वीडियो लेने में हेल्प कर दो, ताकि सच में मेरा ट्राईपॉड एकदम से ही टूट गया है, मैं अभी ले ही नहीं सकती उसको कैसा भी अटका के। तो इसलिए ऋषि ने मेरी हेल्प कर दी है क्योंकि उन्हें जाना है जल्द से जल्द। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए मसूर पुलाव, जो एकदम ही ईजी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट पड़ता है और जल्द से झटपट बनके तैयार हो जाता है। तो आइए मैंने क्या क्या लिया मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जिसके लिए मैंने ले लिया है मसूर, मैंने ये लिया है एक छोटा सा कप लिया है मैंने, उसको रात भर भिगा के रख दिया था। ये अच्छे से देखिए भीग चुका है। और ये चावल लिया है मैंने, तो चावल मेरा जो है वो है मतलब एक से डेढ़ कप मेरा चावल है ये। अब उसमें जाने वाला एक बड़ी सी प्याज लिया, उसको अच्छे से लच्छे में ऐसा काट लिया है मैंने। और ये एक बहुत बड़ा अच्छा बड़ा टमाटर था ये, क्योंकि टमाटर इस वक्त बहुत सस्ता हुआ है, तो टमाटर डालने में जो मज़ा आ रहा है ना खानों में, बहुत दिनों से हम नहीं डाल पा रहे थे प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो एक बहुत बड़ा टमाटर था उसे मैंने ले लिया है। और चार से पाँच ये मिर्ची है, उसको बीच में से स्लाइड कर लिया है मैंने और देखिए इस तरीके से कट कर लिया। एक नींबू ले लिया है, ये किस तरह से जाएगा बताऊँगी। गरम मसाला है, तो ये साबुत गरम मसाला है जिसमें मैंने जावित्री और स्टार फूल और तीन से चार छोटी इलायची, चार से पांच लौंग और हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च और एक छोटा सा मैंने दालचीनी का टुकड़ा और वन टीस्पून भर के मैंने ज़ीरा ले लिया है। तो चलिए अभी, और हाँ अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे है, तो चलिए हम अपना गैस ऑन कर लेते हैं। और अच्छे से टोप को मैंने साफ़ करके इस पर रख दिया है, अभी इसका पानी सोख हो जाए, सूख जाए तो फिर बाद में मैं इसमें तेल डाल दूँगी। तो चलिए टोप जो है हमारा गरम हो गया है और अभी डाल देंगे यहाँ पे हम तेल। तो तेल मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है, पुलाव है, पुलाव में थोड़ा तेल रहेगा ना तो सूखा सूखा नहीं लगता है। अच्छा, आप लोग का ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी ठंडी आ रही है? मेरा तो गला एकदम से बैठ नहीं है, खसखस करता है वैसा हो रहा है। और धूप में, अरे दोपहर में बहुत तेज धूप रहती है, लेकिन सुबह में ना हल्की सी ठंडी ठंडी लगती है। और जैसे कि नहीं, आप जो हमारी चीजें जैसे सूखने लगती है, बाथरूम जैसा सूखने लगता है, और हमें भी ऐसा एहसास होता है कि ठंडी आ रही है। आ, मुझे भी लग रही थी सुबह में ठंडी है ना, तभी आप सूखते नहीं हो ना सुबह में। एसी चालू था ना इसलिए नमाज पढ़ के जो सोते हैं फिर उठते नहीं है जल्दी, लेकिन हाँ उठ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 बजे, क्योंकि इनको जाना रहता है। इतनी बिजती नहीं, उठ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए मैंने ना 2 तेजपत्ता भी ले लिया है, उसको भी ऐसा तोड़ लिया है मैंने। अब तेल जो हमारा गरम हो गया, हम इसमें डाल देंगे जितने भी हमारे गरम मसाले थे साबुत, वो डाल दिए हमने। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। अच्छा, प्याज को अच्छे से लाल कर लेंगे हम। इस तरह से लच्छे में प्याज काटिए ना तो जल्दी जल्दी लाल हो जाएगा और अच्छा भी लगता है वो जब तेल में जाता है ना, और खुशबू, उसकी खुशबू आप देखिए अलग अलग तरीके से अगर प्याज काटोगे ना, सबकी खुशबू बहुत अलग अलग आएगी, तो इसकी खुशबू बहुत अलग आती है। तो ये देखिए प्याज जो है हमारी हल्की सी लाल हो गई है, तो अब इसमें हम डाल देंगे हमने जो टमाटो कटिंग करके रखा है उसे, मिर्ची, इसे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज जो जल रही थी हमारी वो जलना थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि ये टमाटो में पानी रहता है। अभी इसमें डाल देंगे हम, मैंने यहाँ पे अपने अंदाजन लिया है, आप 1 टेबलस्पून ले लीजिए, जो हम लोग चाय शिलखुरमा खाते हैं ना चाय का चम्मच जो होता है वो भर के ले लीजिए। अदरक लहसुन ले लिया है मैंने, अभी इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे नमक, तो नमक जितना हमें चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंग वो सब डालेंगे। और थोड़ा सा मेरे पास गरम मसाला है, होममेड गरम मसाला है, तो वो मैं थोड़ा सा डाल दूंगी। अब इसमें ना हल्दी मिर्ची पाउडर ये सब नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वाइट में बनाना है, कलर नहीं देना है कोई भी, तो इसीलिए मैंने मिर्ची जो हरी मिर्ची है उसे डाला है, उसको ज़्यादा डाला है मैंने। तो आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप अपनी हरी मिर्ची डालिए। अब ये अच्छे से हमारा
हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा टमाटो ना, तो उसके बाद में हम मूंग डाल के इसको भून लेंगे। ये देखिए टमाटो हल्का हल्का सा गलना शुरू हो गया है, तो मैंने जो मसूर लिया था, मूंग नहीं मसूर, मैंने मूंग कह दिया था आगे, तो ये मसूर है, इसे मैं इसमें डाल दूंगी। और ये जो मसूर का, जो मसूर की जो दाल है, काली मसूर होती है ना, उसकी दाल, उसका पुलाव बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कभी कभी दिल करे ऐसा वेज कुछ खाने के लिए, तो ये बना के खाइए आप लोग। तो ये देखिए अभी इसको थोड़ा सा हम हल्का सा पानी डाल के मैं इसे गलने के लिए रख दूंगी। वैसे तो ये मैंने रात भर को सोख करके रखा है, बट थोड़ा सा मैं इसे 5 से 10 मिनट दूंगी ताकि जो मसूर जो है वो एकदम से गल जाए। तो थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी पानी में। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है ताकि गलने में, ताकि नीचे लगे ना वो, गल जाए अच्छे से। तो अभी इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी लो फ्लेम पे। तो चलिए इसे गला लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए अभी क्या नाम है इसका, हम 7 मिनट हो गया मैंने दे दिया है। देखिए 80% जो हमारी मसूर दाल गल चुकी है, टमाटो भी गल गया है, मिर्ची भी गल गई है। तो अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता है ना, मैंने इसको बारीक बारीक तोड़ लिया है। तोड़ के कड़ी पत्ता ना ऊपर से डालेंगे ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो जैसे मिसल पाव के वक्त मैंने बताया है, टेस्ट ही चेंज हो जाएगा इसका। तो कड़ी पत्ता डाल दिया है और अब हमारी बारी आती है चावल की। तो अब इसमें डाल देंगे हम चावल। ये देखिए इसे अच्छे से ऐसा मिक्स कर लीजिए, फिर इसमें पानी डाल दीजिए। तो मैं कैसा करती हूँ, मैं पहले चावल डालती हूँ फिर ऊपर से पानी डालती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा हिसाब रखती हूँ, मैं अपनी उंगली का इतना ऐसा हिसाब रखती हूँ। कितने लोगों को ऐसा होता है कि अगर हमने 2 कप चावल लिए तो 4 कप पानी डालेंगे, तो सबका अलग अलग हिसाब होता है। तो मेरा ये परफेक्ट हिसाब है, तो मैं अभी चले पानी डाल देती हूँ। देखिए मैंने पानी ले आई हूँ और अभी इसमें हम डाल देंगे। और आजू बाजू में जो चावल लगा है ना उसे भी निकालते रहेंगे, तो अंदर डाल देंगे सब और चम्मच अच्छे से धो लेंगे। तो थोड़ा सा पानी और जाएगा हमारे पुलाव में। तो ये देखिए चावल में मैंने पानी डाल लिया है, जितना मुझे चाहिए इतना हिसाब से चाहिए, तो मैंने उतने हिसाब से डाल लिया है। अब इसमें जाएगा नींबू, तो मैंने नींबू को यहाँ पे कट कर दिया है। नींबू से कैसा हमारा पुलाव खिला खिला बनेगा, तो इसकी बीज जो है वो हटा लेंगे। अब ये देखिए मैंने आधा नींबू इसमें डाल दिया है, आधा डाल दीजिए ताकि इससे अच्छा हमारा पुलाव जो है खिला खिला बनेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें। अब इसमें ना है थोड़ा, जब बॉइलिंग आना शुरू होगी ना, तो नमक, आप नमक और तीखा आप टेस्ट कर लेना। तो जैसे, और अगर आपको लगता है तीखा कम है तो मिर्ची आप डाल सकते हो बॉईल करने के टाइम, नमक भी डाल सकते हो, नहीं तो चावल एक बार पक जाएगा तो ऊपर से आप कैसे डालोगे, तो इसी में आप चेक कर लेना। तो चलिए मैं इसे फास्ट करके बॉईल करने के लिए रख देती हूँ यहाँ पे। तो चलिए थोड़ी सी ना कोथमीर है, मैं वही तो कह रही हूँ कि कोथमीर कैसा भूल गया भैया इसमें डालने के लिए। तो डाल दिए हमने कोथमीर, और देखिए कोथमीर डाल दी, अभी इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब ये बढ़िया पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे ढक लेते हैं और इसे बॉईल आने देते हैं। ये देखिए हमारे चावल में आ गया है बॉइलिंग, और इसमें हल्का सा नमक कम है तो मैं हल्का ही डालूंगी नमक, हल्का सा कम है। तो मैंने ये देखिए हाफ टी स्पून से भी कम ही डाला है, तो वो हो जाएगा पूरा। ज़्यादा नमक डालेंगे तो इसका टेस्ट चला जाएगा, ये नमक नमक हो जाएगा। तो चलिए अभी इस स्टेज पे हम इसे लगा देंगे दम पे रख देंगे, ताकि मुझे ना रूखी रूखी खिचड़ी नहीं चाहिए, थोड़ी सी ऐसी नहीं, ये हल्की सी गीली जैसी होती है वैसी अच्छी लगती है। खिचड़ी बोल दो, पुलाव बोल दो, मसूर का, बहुत बचपन की यादें हैं ये सब माशाल्लाह से। तो चलिए अभी मैं इसे रख देती हूँ एक साइड में दम पे, यहाँ पे मैंने जाली रख दिया है और फ्लेम ऑन कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। चलिए हो गया है हमारा पुलाव। तो ये मैंने बुझा दिया था, बुझा के मैंने 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो इसी में रहे अच्छे से। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा खिला खिला बना है पुलाव हमारा।
देखिए हमारा मसूर पुलाव बनके तैयार हो गया है और आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी रेसिपी है, आधे घंटे में बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग इसके अच्छे से वीडियोस देख लो मसूर पुलाव की, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।